नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की सड़कों पर जल्द ही अब 15 साल पुराने वाहन नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि इन वाहनों को सड़क से हटाने के लिए बिहार सरकार ने नई स्क्रैपिंग पॉलिसी कुछ समय पहले ही लॉन्च की थी। इतना ही नहीं, इस नीति के तहत ही बिहार की राजधानी पटना में 4 और बिहार के अन्य जिलों में 14 स्क्रैपिंग सेंटर खोलने के लाइसेंस को अब जारी कर दिया गया है, जिससे अब सालों पुराने वाहन जो आज भी सड़कों की शोभा बढ़ा रहे हैं उनको हटाने में मदद मिलने वाली है। स्क्रैपिंग यूनिट की स्थापना के बाद यूनिट में सीधे सीधे 200 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। लाइसेंस प्राप्त कंपनियां सेंटर स्थापित करने के लिए जगह का चुनाव करने में लगी है। स्क्रैप सेंटर स्थापना के लिए लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए की पूंजी लगानी होगी। उद्यमियों के अनुसार अभी तक स्क्रैप सेंटर को उद्योग का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका है, इसके कारण बैंकों से कर्ज प्राप्त करने में परेशानी होगी। यहां पुरानी और अनफिट गाड़ियों को लोग बेच सकेंगे, इसके बदले उपभोक्ताओं को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके आधार पर नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक कोई वाहन जो आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या किसी आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, उसे स्क्रैप में दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा कोई ऐसी एजेंसी जिसने स्क्रैपिंग के लिए नीलामी में वाहन खरीदा है, वो भी रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर पर शॉपिंग करा सकती है। वहीं इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा नीलाम किए गए या जब्त किए गए और छोड़ दिए गए वाहनों को भी स्क्रैप किया जा सकेगा। कोई ऐसा वाहन जो मालिक के द्वारा खुद प्रमाणित करके स्क्रैपिंग में डाला जाए, वो भी स्क्रैप किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में लंबे समय से गाड़ियों की स्क्रैपिंग की मांग की जा रही है। पटना के 4 उद्योगपतियों को अब स्क्रैपिंग सेंटर खोलने का लाइसेंस मिलने के बाद अब उद्यमियों की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि अगले 6 से 8 महीने में सेंटर खोलने के काम को धरातल पर उतारने का काम होने वाला है, जिसके बाद ही अब इन 15 साल पुरानी गाड़ियों की कीमत तय की जाएगी, जिसे स्क्रैप सेंटर की तरफ से वाहन मालिकों को देने का काम होगा। इस दौरान गाड़ी मालिक को एक स्क्रैप भी दिया जाएगा, जिसको कि परिवहन विभाग में देने के बाद स्क्रैप किए गए गाड़ियों का नंबर परिवहन डेटा से हटाने का काम भी होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ियों से संबंधित स्क्रैप पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक जारी अधिसूचना में पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बेचने और उसके बदले नई गाड़ियों की खरीद में टैक्स की छूट की बात कही गई है। माना जा रहा है कि इस नई पॉलिसी में प्रदूषण कम होने के साथ ही अन्य कई तरह के फायदे होंगे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।